दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे धनु लव राशि फल अप्रैल 2024। अप्रैल का महीना कैसा रहेगा धनु राशि वालों, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप के लिए, आइए जानते हैं। दोस्तों अप्रैल का लव राशि फल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें हमारा लव राशि फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशि फल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। सेजिटेरियस साइन वालों, आप अगर सिंगल हैं तो क्या स्थिति रहेगी अप्रैल के महीने में, लव लाइफ में क्या बदलाव आएंगे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या होगा, मैरिड लाइफ में क्या होने वाला है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है अप्रैल के महीने में, आइए जानते हैं। दोस्तों लव राशि फल शुरू करें उससे पूर्व आपको एक जानकारी और दे दें, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि आपके लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। तो ये जानकारी है नवरात्रि अनुष्ठान बुकिंग के बारे में। 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगी, तो उससे पूर्व 5 अप्रैल तक की डेट लास्ट डेट है, 5 अप्रैल तक आपको बुकिंग करवा लेनी है। हमारे यहाँ पर नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान होता है जो बीते 5 वर्षों से हो रहा है। आप चाहते हैं कि दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करवाएं आप ऑनलाइन हमारे माध्यम से, तो आप करवा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, बुकिंग करने के लिए नाम, गोत्र और समस्या भेजनी है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको सबसे पहले तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, जो नंबर स्क्रीन पर है उसी नंबर पे मैसेज करना है कि आपको नवरात्रि अनुष्ठान की ये वाली बुकिंग करानी है, इतने अमाउंट वाली बुकिंग करानी है। ये मैसेज करेंगे तो आपको वहाँ पे ओके कह के मैसेज आएगा या कुछ भी वहाँ पे बातचीत होगी आपकी जो चैट करना चाहते हैं। उसके बाद में आप पेमेंट करिएगा, नाम, गोत्र और समस्या भेजिएगा, उसके बाद में आपको मैसेज मिल जाएगा कि बुकिंग डन। आपकी बुकिंग डन हो गई ऐसा मैसेज मिलने के बाद फिर आप कोई मैसेज मत कीजिएगा, जिस दिन आपकी पूजा होगी आपको वीडियोज़ फ़ोटोज़ मिलेंगे। तो बस इतना सिंपल सा प्रोसेस है जिसे फॉलो करके आप अपनी समस्या के समाधान हेतु पूजा बुकिंग करवा सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि धनु राशि वालों आपके लिए आपके रिलेशनशिप की स्थिति किस प्रकार की रहेगी अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में धनु राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए स्थिति किस प्रकार की रहेगी। आपके लिए देखिए, पहले मैं ग्रह गोचर की स्थितियां बता देता हूं। 9 अप्रैल को मीन में बुध जाएंगे और 13 अप्रैल को मेष में सूर्य और 23 अप्रैल को मीन में मंगल और 25 अप्रैल को मेष में शुक्र, ये 4 ग्रहों के मुख्य रूप से परिवर्तन होंगे इस अप्रैल के महीने में। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानकारी देते हैं आपको। सबसे पहले जो सिंगल हैं, अगर धनु राशि वालों आप सिंगल हैं तो आपके यहाँ पर स्थिति बिल्कुल भी ऐसी नहीं बनी हुई है कि आप सिंगल रहेंगे, क्योंकि इसमें स्थिति बहुत प्रबल बन रही कि आपको कोई ना कोई व्यक्ति पसंद भी आ चुका है और अगर नहीं आया तो अप्रैल के शुरुआत में ही पसंद आ जाएगा, और यहाँ तक की है कि उसके साथ में आपकी अच्छी दोस्ती भी बन जाएगी जो व्यक्ति आपको पसंद है, तो आप सिंगल तो नहीं रहे। अब आगे बढ़ेंगे, जो वन साइड लव करते हैं उनकी बात करते हैं। जो वन साइड लव में हैं उनके लिए स्थितियाँ थोड़ी सी खराब हैं, क्योंकि बुध 9 अप्रैल से गलत फहमियाँ बनाएगा राहु के साथ में युति बना के, तो आपका जो वन साइड लव है उसमें बहुत ज़्यादा आपकी बातें सामने वाले को समझ नहीं आएंगी और वो आपकी बात का कहीं ना कहीं कुतर्क करे, आपकी बात को ना समझे और आपका बहुत ज़्यादा आपकी बातों को अन्यथा ले, अलग वे में ले और वो उसका रवैया बदल जाए, उसका व्यवहार आपके प्रति बदल जाए, उसे ऐसा लगे जैसे आप उसके साथ में बहुत ज़्यादा गलत करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा डर उसके मन में आ जाए, विश्वास की कमी हो जाए, तो वन साइड लव में स्थितियाँ और ज़्यादा आपसे दूरियाँ बनाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं शुक्र राहु की युति भी होगी जो कि 25 अप्रैल तक रहेगी, तो ये जो समय है ये इस चीज़ को भी दर्शाता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं पेशेंस थोड़ा कम हो जाएगा और पेशेंस कम होने की वजह से हो सकता है कि आपके अंदर ये सेक्सुअल फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए और इस वजह से आप कुछ ऐसी बातें कर दें सामने वाले को, कुछ ऐसा चाहे वो डबल मीनिंग बातें हों चाहे फिर किसी तरीके से सामने से सीधे से वो बात करना हो जो नहीं करना चाहिए, इमोशंस और फीलिंग्स के बीच में आप सेक्सुअल बातें करने लगें और वहाँ पे आपकी और ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। तो ये पहली मिस्टेक रहेगी और यही आखिरी मिस्टेक है, जो आप इससे बच लेंगे
तो निश्चित रूप से आपका रिश्ता जो वन साइड लव है वो आगे बढ़ सकता है। हम बात करेंगे लव लाइफ की। लव लाइफ की स्थिति में मंगल आपके पंचमेश बनते हैं, सूर्य अपने पंचम भाव में आएंगे और 13 अप्रैल से स्थितियां बहुत बदल जाएंगी, बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। प्यार बहुत मिलेगा, पार्टनर बहुत इमोशनल हो जाएगा और आपके अगर पार्टनर बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ हैं तो नाराज़गी उनकी खत्म हो जाएगी, अच्छे से बात करने लगेंगे, फैमिली को मना चुके हैं ऐसी कोई खुशखबरी भी आपको दे सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव ये महीना आपके लिए रहने वाला है। हालांकि छोटे मोटे मतभेद रहेंगे, गलतफहमियां भी थोड़ी बहुत बनाने बनाने के लिए कुछ लोग बाध्य होंगे, कुछ लोग ऐसी हरकतें करेंगे जिससे आप दोनों के बीच में गलतफहमियां बने, लेकिन बनेंगी नहीं। फिर भी यहाँ पर स्थितियाँ आपको संभाल के चलनी है, किसी भी तरीके से बात नहीं बिगड़ने देनी है। लव लाइफ में बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी, लव मैरिज फिक्स हो सकती है, बहुत बड़ी स्थिति आपके लिए बनने वाली है। आप के पार्टनर आप पर भरोसा कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है और बहुत ज़्यादा आपके लिए लॉयल हैं, इस चीज़ का एहसास भी आपको होगा। अब हम बात करते हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी कांटेक्ट में आने की स्थिति बहुत प्रबल बन रही है, कांटेक्ट में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस समय से वो अभी तक जो नो कांटेक्ट में थे, जो गैप रहा है आपके रिश्ते में, नो कांटेक्ट जो सिचुएशन रही है उस बीच में वो किसी और के साथ में फिजिकल हो गए हैं या किसी तरीके से किसी से इन्वॉल्व थे, अटैच थे, और वो चीज़ें आपको पता चल सकती हैं उसके साथ में कुछ ही दिन रह करके, अप्रैल में ही पैचअप होने के बाद में, और उससे थोड़े झगड़े होंगे और स्थितियां ख़राब होंगी। यानी कि हो सकता है कि 7-8 अप्रैल के आसपास में आपका पैचअप हो जाए और फिर से 25 अप्रैल के बाद में स्थितियाँ फिर ख़राब या मन ख़राब होने लगे। ब्रेकअप तो नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ी गलतफहमियाँ, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको जितना हो सके अपने आप को बचाना है। अपने आप को बचाने से मेरा तात्पर्य है कि आपको कुछ भी ऐसे सवाल नहीं करने हैं जिससे आपको और उनको तकलीफ़ हो आगे चल करके। तो ऐसे सवाल, कुछ जिज्ञासाएं होती भी हैं ना जो हम ना जाने तो हमारे लिए अच्छा है। कई बार चीज़ें समझ जाया करें आप या समझ जाते हैं, जैसे आपके पार्टनर कुछ इशारों में कुछ कह भी रहे हैं या आपको किसी बात व्यक्ति का इशारा भी समझ आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उस उंगली करके बार बार पूछना कि ये बताओ बताओ, और वो जान के फिर अपने आप को तकलीफ़ में डालना, वो गलती आप नहीं करना। मैरिड लाइफ की स्थिति की बात करें तो मैरिड लाइफ में बहुत कलेश है और यहाँ पे थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा रोना है आपका। बहुत कलेश के बाद में रोने की स्थितियों के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा आपको मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, मानसिक रूप से बहुत विक्षुब्ध, बहुत परेशान हो जाएंगे। आपकी ऐसी हालत हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ होगा किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से, और आपके पार्टनर आपको चीट किए हैं इस वजह से। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत इमोशनल रहेंगे, एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने वाले, हो सकता है लिव इन में रहें या लंबी यात्रा आप एक दूसरे के साथ करें और दूर कहीं जाएं। अगर आपके ऑफिस में आपके बॉस के साथ में या किसी व्यक्ति के साथ में जो आपसे पद में अधिक है, बड़ा है, ऐसे व्यक्ति के साथ अफेयर है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये महीना शुभ और बहुत ही खास बनने वाला है। अगर आप के जो पार्टनर हैं वो या फिर आप ही डायमंड या गोल्ड से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो आपके लिए फिर ये अफेयर बहुत ही ज़्यादा लाभकारी बनने वाला है। तो दोस्तों यह था लव राशि फल अप्रैल का महीने का। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि है वृषभ राशि, दूसरी राशि है मिथुन राशि और तीसरी राशि है कर्क राशि। अगर आपके इन 3 राशियों में से किसी एक राशि का पार्टनर होता है तो आपके लिए ये महीना लकी बन जाएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि हर महीने आपको आपके लव राशि फल की वीडियो मिलती है इस चैनल पर और दैनिक लव राशि फल की भी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।